हेलो फ्रेंड्स, रत्नामी चाय की में आपका वेलकम है। चावल की कुल्लई तो आप बनाए होंगे या खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको इंस्टेंट चावल और उड़द की दाल की नमकीन कुल्लई बनाना बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कप उड़द की दाल ली है, इसे हम पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। ये मैंने दाल धो ली है, इसे कुकर में डालेंगे। एक कप मैंने दाल ली थी तो इसमें दो कप पानी डालेंगे। ढक्कन लगाकर हम इसे 5 सीटी आने तक पका लेंगे। दाल पक रही है तब तक हम एक बाउल में 2 कप चावल का आटा लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को पीसकर मैदे की चलनी से छान लें। अब इसमें हम 2 चम्मच तिल डालेंगे। अगर आपके पास काली तिल है तो आप वो डालें, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने इस तिल का यूज़ किया है। 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे, तो अजवाइन को हम हाथ में इस तरह से क्रश करके डालेंगे। 1 चम्मच काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च आपको थोड़ी सी बड़ी रखना है, एकदम पाउडर आपको नहीं करना है। अगर आप पाउडर कर देंगे तो आपका नाश्ता थोड़ा सा काला दिखेगा। 1 चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। 5 सीटी ली थी मैंने और दाल बहुत अच्छे से पक चुकी है। देखिए बहुत सॉफ्ट हो गई है दाल, इसे अब हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए दाल बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसे जार में डाल देंगे और इसे हमें बारीक पेस्ट करना है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, बस इतना ही डालना है कि दाल अच्छे से पीसा जाए। ये देखिए एकदम मैंने इसका फाइन पेस्ट कर लिया है। अब हम चावल के आटे में 2 बड़े चम्मच गरम तेल डालेंगे और इसे हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि तेल अभी बहुत गर्म है तो आप इसे हाथ में नहीं ले, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। पहले चम्मच से मिक्स करें, उसके बाद आप हाथ से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए इस तरह से चावल की मुठिया बन जानी चाहिए, मतलब मोन परफेक्ट है। एक बार मैं इसे टेस्ट कर लूँगी, तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसमें मैं 1/2 चम्मच के करीब नमक और डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब टोटल मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक डाला है। आपको इसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अगर आप इसमें ज़्यादा डाल देंगे तो बाद में आपका नाश्ता थोड़ा खारा हो जाएगा। आप इसे लेवल में बराबर ही नमक डालें। अब हम इसमें जो हमने दाल का पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे। अभी दाल का पेस्ट मैंने इसमें आधा ही डाला है, आधा बाद में डालेंगे। पहले इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें सॉफ्ट डो लगाना है, लेकिन हम इसमें थोड़ा थोड़ा दाल का पेस्ट डालेंगे ताकि जो हमारा डो है वो ज़्यादा गीला ना हो। अब इसमें हम थोड़ा सा पेस्ट और डालेंगे। अब इसमें बाकी जो दाल का पेस्ट बचा है वो भी इसमें डाल देंगे, मतलब सभी दाल का पेस्ट मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दाल में आप पानी ज़्यादा नहीं डालें। इसमें मैं 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ और इसे हम एक जैसा कर लेंगे। अभी तक मैंने इसमें पानी यूज़ नहीं किया था, इसे मैंने दाल से ही उसना है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा एक जैसा करने के लिए 1 चम्मच पानी डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। तो ये देखिए डो को इस तरह से सॉफ्ट रखना है, बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्ट इसे नहीं करना है। ये मैंने सेव बनाने वाली सबसे मोटी वाली जाली दी है, इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि आटा चिपके नहीं। चम्मच या ब्रश से आप मशीन में भी अच्छी तरह से तेल लगा लें। और अब हम थोड़ा सा डो लेंगे।
आपकी मशीन जितनी बड़ी है उतना ही आप आटा लें, और आटे में हम थोड़ा सा तेल लगाते जाएंगे ताकि मशीन में जब हम आटा डालें तो वो चिपके नहीं। मशीन में हम डो को अच्छी तरह से भर देंगे और ऊपर की साइड पे हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे अच्छे से इस तरह से। ये मैंने झारी ली है, इस पर भी हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। झारी पर हम मशीन से इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे और इसे आप अच्छी तरह से फोल्ड करें ताकि जब हम फ्राई करें तो ये निकले नहीं। तेल को मैंने पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था, तो इसमें हम थोड़ा सा आटा डालकर देखते हैं। देखिए डालते ही इसमें बुलबुले आ रहे हैं, तो अच्छे से तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें जो हमने नाश्ता बनाया है वो डाल देंगे। जब तक ये हल्का सा कड़क ना हो जाए तब तक आपको इसमें चम्मच नहीं लगानी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप जैसे ही इसमें चम्मच लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। तो जब तक इसकी हल्की सी परत या हल्का सा कुरकुरा ना हो जाए तब तक आपको इसमें चम्मच नहीं लगानी है। अभी हमने गैस की फ्लेम तेज रखी थी, अब थोड़ी स्लो कर देंगे। ये देखिए हल्की सी ये थोड़ी कड़क हो गई है, तो इसे हम पलट देते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें आप एक या दो ही फ्राई करें, ज़्यादा नहीं करें। अगर आप इसमें ज़्यादा एक साथ फ्राई करेंगे तो वो टूट जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। दूसरी साइड से भी हल्की सी ये फ्राई हो गई है, तो अब हम गैस की फ्लेम तेज कर देंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना है, हम इसे हल्का बादामी ही फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। पहला तरीका मैंने ये आपको बता दिया है, अगर आपके बच्चे कम मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो आप इस तरीके से बनाएं, और अगर आपको तीखा पसंद है तो दूसरा तरीका भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए ये हल्की सी बादामी हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सभी फ्राई कर लेंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। तो ये मैंने आधा चम्मच अजवाइन ली है, इसे हाथ से क्रश करके डालेंगे। एक चम्मच सूखी लाल मिर्च, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च है तो इस तरह से क्रश करके डालें। एक चुटकी नमक डालेंगे, अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम सेम उसी तरह से बनाएंगे। और देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है।